गाइस, दिस इज विशाल गुप्ता और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स एनसीईआरटी हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के कॉन्टेंट आपको डेली मिलते रहे और वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी इस चीज का फायदा। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको जैसे बताया था, हमने सिलेबस देखा था और क्लास के बारे में भी बताया था कि किस तरीके से हम हमारा जो पढ़ने का रोड मैप है वो किस तरीके से। आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से जाके आप देख सकते हो। तो इसमें आप जैसे जानते हो कि एनसीईआरटी को हम कवर करने वाले हैं और एनसीईआरटी में जो बेसिकली 12th का बुक है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट ए एंड पार्ट टू। ठीक है, पार्ट वन एंड पार्ट टू। तो जो पहला पार्ट वन हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स में, तो बेसिकली उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को देखा जाए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जी हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हिंदी मीडियम विद्युत चुंबकत्व। ठीक है, और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि भले ही आप हिंदी मीडियम से हो या फिर इंग्लिश मीडियम से, बट क्या है कि साइंस का जो बैकग्राउंड होता है या फिर साइंस में जो पढ़ना होता है, आप ये मतलब करना कि इंग्लिश में उसका टॉपिक का नाम जरूर याद रखना, क्योंकि आगे चल के अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हो तो हिंदी मीडियम में उतना मतलब आपको आगे चल के थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। इसलिए आप कम से कम जो टॉपिक है उसका इंग्लिश में नाम को याद रखना। चलिए, तो अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को देखें तो इसका बेसिकली टू पार्ट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड सेकेंड वन इज इलेक्ट्रो डायनेमिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रो डायनेमिक्स। स्टैटिक्स मतलब क्या होता है? स्टैटिक्स मतलब स्थिर। ठीक है, स्टैटिक्स मतलब स्थिर और डायनेमिक्स मतलब जो चलता हो, जो स्थिर न हो। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? डायनेमिक्स। अगर हम देखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जो हमारा फिजिक्स का पहला जो एनसीईआरटी बुक का पहला पूरा बुक है, पार्ट ए है, वो बेसिकली हम पूरा अगर पढ़ें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ऊपर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रो डायनेमिक्स। हिंदी मीडियम स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी एंड बोलते हैं बिजली गतिविज्ञान, बिजली गतिविज्ञान। ठीक है, इसमें जो हम पहला और दूसरा जो चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, चैप्टर वन एंड चैप्टर टू जो हम स्थिर वैद्युतिकी के अंदर अगर इसको देखा जाए तो हम बोल सकते हैं कि ये हमारा इकाई है, इकाई फर्स्ट या यूनिट फर्स्ट है। ठीक है, ये हमारा यूनिट फर्स्ट है। इसमें हम दो चैप्टर पढ़ने वाले हैं, चैप्टर वन एंड चैप्टर टू। चैप्टर वन हमारा है विद्युत क्षेत्र। चैप्टर वन हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र के बारे में कि विद्युत क्षेत्र आखिर होता क्या है। इसमें हम आवेश पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत सारे इसमें टॉपिक है, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, दूसरा जो हमारा है इसमें हम विभव के बारे में पढ़ेंगे, विभवांतर पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हम संधारित्र वगैरह भी पढ़ेंगे, संधारित्र। तो इस तरीके से जो हमारे यूनिट फर्स्ट है, इकाई फर्स्ट है, उसमें हम दो चैप्टर पढ़ेंगे, विद्युत क्षेत्र एंड विभव, विभवांतर और संधारित्र। ठीक है, जो हमारा इस बिजली गति विज्ञान है, इसमें जो चैप्टर थ्री है हमारा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, हिंदी मीडियम विद्युत धारा। और आप भी मेरे साथ साथ अपना नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि बिना नोट्स के बेसिकली अगर देखा जाए तो जो भी आप अभी पढ़ रहे हो वो शाम तक मतलब 24 घंटे के अंदर आप 20% चीज उसको भूल चुके होंगे। तो आप मेरे साथ साथ नोट्स भी बनाते चलो। तो इसमें हम जो चैप्टर थ्री पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा, जो हमारा चैप्टर नेक्स्ट है वो है चुंबकीय क्षेत्र के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र हम पढ़ने वाले हैं, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम पढ़ेंगे। जो हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर है इसमें, किसमें? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। डायनेमिक्स मतलब स्थिर, सॉरी, स्टैटिक्स मतलब स्थिर और डायनेमिक्स मतलब जो गतिमान हो, इसको हिंदी में बोलते हैं बिजली गति विज्ञान। ठीक है, इसमें हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे एसी, अल्टरनेटिंग करंट एसी, जो कि आपका चैप्टर के बाद हम पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में पढ़ेंगे।
ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि जो हमारा एनसीईआरटी का पार्ट वन बुक है उसमें हम दो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे। उसमें दो पार्ट आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर इसको हिंदी में बोलते हैं स्थिर वैद्युतिकी, और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को बिजली या गतिविज्ञान, बिजली गतिविज्ञान। ठीक है, स्थिर वैद्युतिकी ये हमारा यूनिट है और इसमें हम दो चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर वन एंड चैप्टर टू, विद्युत क्षेत्र एंड विभव, विभवांतर और संधारित्र, राइट। इसके बाद जो हमारा तीसरा चैप्टर है वो हम यहां से पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, चुंबकीय क्षेत्र, इंग्लिश मीडियम मैग्नेटिक फील्ड, राइट। उसके बाद अल्टरनेटिंग करंट जिसे आप एसी बोलते हैं, उसके बाद विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इस तरीके से हम जो पहला बुक है उसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आज हम पहला यूनिट, अपना पहला चैप्टर विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं। चलिए तो हम पहला टॉपिक जो हमारा है विद्युत क्षेत्र, पहला चैप्टर का नाम है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र ये बेसिकली हमारा जो ये वीडियो है वो विद्युत क्षेत्र के बारे में हम इसका बेसिक चीज बेसिक से स्टार्ट करेंगे और हाई लेवल तक हम चलेंगे, आगे हम न्यूमेरिकल भी बनाएंगे। तो विद्युत क्षेत्र में जो हमें पहला टॉपिक पढ़ना होता है वो आवेश के बारे में, आवेश हमें पढ़ना होता है, चार्ज। ठीक है, हम चार्ज के बारे में देखेंगे कि जो हमारा विद्युत क्षेत्र है उसमें हम चार्ज किस तरीके से काम करता है। तो चार्ज में पहला टॉपिक जो है, इसके अंदर मैं सात टॉपिक, छह सात टॉपिक आपको बताऊं। तो पहला हमारा है मूलभूत गुणधर्म, मूलभूत गुणधर्म। ठीक है, मूलभूत गुणधर्म, इसको फंडामेंटल ऑफ प्रॉपर्टीज। तो मूलभूत गुणधर्म, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। अब मूलभूत गुणधर्म क्या होता है, चलिए इसके बारे में समझते हैं। किसी भी गुणधर्म, ठीक है, अगर हम बोले कि द्रव्यमान, द्रव्यमान क्या होता है, तो हम द्रव्यमान को कैसे चिन्ह सकते, पहचान सकते हैं, इसका कुछ प्रॉपर्टीज होगा, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होगा। ठीक है, तो जैसे अगर कोई पूछे कि द्रव्यमान किसे कहते हैं, तो हम ऐसे ही तो थोड़ी बता सकते हैं कि द्रव्यमान किसे कहते हैं, हमें उसके बारे में फंडामेंटल प्रॉपर्टीज, मूलभूत गुणधर्म पता होगा। बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं, जैसे गुरुत्वाकर्षण के बारे में आप जान लो, आपने गुरुत्वाकर्षण के बारे में क्लास इलेवेंथ में पढ़ चुका है। गुरुत्वाकर्षण अगर किस हमसे कोई पूछे कि पृथ्वी पे गुरुत्वाकर्षण बल क्यों कैसे काम करता है, ठीक है, तो हम बता सकते हैं कि द्रव्यमान की वजह से गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है। जैसे पृथ्वी है तो हम यहां रहे, यहां रहे, यहां रहे, कहीं भी रहे, ये गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है। लेकिन अगर कोई पूछे क्यों करता है, तो हम बताएंगे कि द्रव्यमान की वजह से, मतलब जो गुरुत्वाकर्षण बल का जो मूलभूत गुणधर्म है वो हम बोल सकते हैं कि द्रव्यमान की वजह से हो रहा है, राइट। तो इसी तरीके से अगर हम इसमें कोई पूछे गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल का मेन जो होता है, जैसे हम उत्पन्न कैसे होता है और वो अनुभव कैसे हम कर सकते हैं, ठीक है, उत्पन्न कैसे होता है और अनुभव, सबसे पहले आप इसे समझ लीजिए, मैं इसे समझा दूंगा, उत्पन्न कैसे होता है और अनुभव कैसे हम करते हैं, राइट। उत्पन्न कैसे होता है और हम अनुभव कैसे करते, तो इसके लिए हमें क्या पता चला, एक हमारा द्रव्यमान है जिसके वजह से हम पता करते हैं कि उत्पन्न कैसे होता है, गुरुत्वाकर्षण, और हम अनुभव कैसे करते हैं। तो इसी तरीके से मूलभूत गुणधर्म हम जब पढ़ेंगे तो इसमें बेसिकली दो आता है, एक विद्युत क्षेत्र आता है, एक विद्युत क्षेत्र के बारे में हम पढ़ेंगे, और दूसरा हम पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। पहला विद्युत विद्युत क्षेत्र जिसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरा हम चुंबकीय क्षेत्र के बारे में जानेंगे। तो चुंबकीय क्षेत्र अगर हमसे कोई पूछ दे कि विद्युत क्षेत्र होता हो, तो जब तक विद्युत क्षेत्र हम अगर पूछे कि इस रूम में, जिस रूम में हम हैं, अगर इस कोई पूछे कि इस कमरे में कब विद्युत क्षेत्र कैसे, तो हम सबसे पहले अगर द्रव्यमान होगा तभी इसका क्या हम बता सकते हैं कि ये कैसे उत्पन्न होता है और ये कैसे इसको हम अनुभव कर सकते हैं। अगर द्रव्यमान नहीं है तो हम इसको अनुभव नहीं कर सकते। इसी को बोलते हैं मूलभूत गुणधर्म। हर एक का, जैसे विद्युत क्षेत्र हो या फिर चुंबकीय क्षेत्र हो, उसका कुछ ना कुछ मूलभूत गुणधर्म होता ही है। अगर चुंबकीय क्षेत्र पूछे कि इस कमरे में कितना चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है, तो हम कैसे उत्पन्न होता है और कैसे अनुभव करते हैं, उसके बारे में भी हम द्रव्यमान के अनुसार ही बता सकते हैं। तो इस तरीके से मूलभूत गुणधर्म में हमारा दो गुणधर्म आता है, एक विद्युत क्षेत्र और एक चुंबकीय क्षेत्र, राइट। चलिए दूसरा देखते हैं। चलिए तो तीसरा जो हमारा इसमें टॉपिक, तीसरा जो पॉइंट है, पहला पॉइंट मैंने क्या बताया, फंडामेंटल ऑफ प्रॉपर्टीज, दूसरा बताया आपको क्या था, दो, एक विद्युत क्षेत्र और एक चुंबकीय क्षेत्र। अब हम तीसरा पढ़ने वाले हैं। तीसरा हमारे पास आता है आवेश के प्रकार, आवेश के प्रकार के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो आवेश का अगर प्रकार देखा जाए, ठीक है, बेसिकली आवेश के भी टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ चार्ज, ठीक है।
तो आवेश का प्रकार अगर हम देखें टाइप्स ऑफ चार्ज, तो आवेश बेसिकली दो प्रकार का होता है। अगर हम पहले वाले को अगर धनावेश करते हैं, पहले वाले को अगर हम धनावेश कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज अगर करते हैं, तो हमारा दूसरा हो जाएगा ऋण आवेश, राइट। पहले वाले को अगर हम धनावेश करते हैं तो दूसरा वाला हमारा हो जाएगा ऋण आवेश। चलिए कुछ हम देखते हैं, अगर हमारे पास धनावेश है और दूसरा भी धनावेश है, ठीक है। अगर हमारे पास पहला अगर एक कोई वस्तु है या थिंग है, कोई भी चीज है, अगर ये धनावेश है और सेकेंड वाला को भी हम धनावेश बोलते हैं, तो इसके बीच में या फिर माइनस माइनस, मतलब अगर देखा जाए कि दोनों सेम हो, ठीक है, दोनों सेम है, दोनों का प्रॉपर्टीज सेम है, तो अगर हम बोले तो इसको बोलते हैं सजातीय आवेश, सॉरी सजातीय आवेश, ठीक है। जब दोनों सेम रहे तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, राइट। भले ही वो प्लस प्लस हो या फिर माइनस माइनस हो, आप ऐसे भी समझ सकते हो कि मान लो कि प्लस वाला लड़का है और ये लड़का है, ठीक है, ये लड़की है और ये भी लड़की है, तो आप ही बताओ लड़का लड़का का कभी अट्रैक्ट होंगे नहीं ना। तो यही चीज मैं बता रहा हूं कि अगर प्लस प्लस है मतलब दोनों एक ही चीज है, या फिर माइनस माइनस हो तो ये दोनों रिपेल होंगे। इसी तरीके से अगर हम एक को प्लस और एक को माइनस ले लें, ठीक है, एक को प्लस और एक को माइनस अगर हम लेते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, ठीक है, एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। इसको हम विजातीय बल बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, विजातीय आवेश बोलते हैं, इसको हम विजातीय आवेश बोलेंगे। इस तरीके से अगर दोनों प्लस प्लस हो माइनस माइनस हो तो रिपेल करेगा, और अगर दोनों अगर विपरीत डायरेक्शन ऑफ विपरीत चार्ज हो, ठीक है, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज, तो आकर्षित करेगा, ठीक है, अट्रैक्ट करेगा, राइट। तो इस तरीके से हमारा आवेश के प्रकार एक धनावेश होता है और एक ऋणावेश होता है। गॉट इट पॉइंट। चलिए इसके बाद हम अगले वीडियो में देखेंगे।